हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन एक्टिविटी एंड व्लॉग माई सेल्फ बेनजीर। अभी मैं कुछ नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं हम बच्चों को कहानियाँ सिखाएंगे एक्शन के साथ। अक्सर स्कूल वाले एक बड़ी सी या शॉर्ट सी स्टोरी दे देते हैं कि आप इसे घर से याद करके आओ। क्योंकि मैं एक ट्यूशन टीचर भी हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करती हूँ कि ऐसा होता है, और अक्सर मुझे ही वो पोएम याद करवानी होती है क्योंकि घर वालों के पास इतना टाइम नहीं होता। तो घर वाले और थोड़ा सा ट्यूशन टीचर्स, ये सब मिलाकर जब बच्चे को प्रिपेयर करती हैं तो वो स्टोरी बहुत अच्छे से बच्चे को याद हो जाती है। तो आज मैं एक हिंदी की पोएम लूँगी जिसमें मैं बच्चों को इंट्रोडक्शन से लेकर सारी चीज़ें बताऊँगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन हिंदी का हो तो हिंदी में दे, इंग्लिश का हो तो इंग्लिश में दे। जैसे आज है हिंदी की स्टोरी, हिंदी की कहानी, तो मैं इंट्रोडक्शन दूँगी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम बेनज़ीर है। मैं आप लोगों के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है समय पर उठना। एक बालक था जिसका नाम अमन था। वह रोज रात को देर से सोता था, इसलिए स्कूल भी देर से जाता था। एक दिन उसकी माँ के बार बार उठाने पे वह नहीं उठा। उसकी माँ ने उसे याद दिलाया, आज स्कूल में उत्सव है। अमन जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर गया। स्कूल बस तो जा चुकी थी। अमन उदास हुआ। माँ ने उसे कार से स्कूल छोड़ा। तब तक स्कूल का गेट बंद हो चुका था। वह रो रो कर घर वापस आया, और अगले दिन जब उसके दोस्तों ने उसे उत्सव के बारे में बताया कि उन्होंने कितना मज़ा किया, तब वह उदास हो गया। उसने उसी दिन ठान लिया कि अब से वह रोज रात को जल्दी सोएगा और सुबह जल्दी उठेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर काम समय पर करना चाहिए, वरना नुकसान हो जाता है। थैंक यू सो मच।